साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर अपनी राय रखी है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की तुलना गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा से कर डाली है। हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान साई पल्लवी ने बेबाक अपनी राय रखी और फैंस भी उनके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल ग्रेट आंध्र के साथ हुई बातचीत में साई पल्लवी ने कहा, कश्मीर फाइल्स ने दिखाया कि उस समय कैसे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था। यदि आप इस मुद्दे को एक धार्मिक टकराव के रूप में ले रहे हैं, तो हाल ही में एक घटना हुई है जहां एक मुस्लिम ड्राइवर जो गायों को ले जा रहा था, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया और पिटा गया। इतना ही नहीं, उस ड्राइवर को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे में मुझे इन दो घटनाओं के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता। साई पल्लवी ने धर्म के नाम पर हो रही हिंसा की भी निंदा की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म वीरता प्रवम के प्रमोशन में व्यस्त है। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ लीड रोल में राणा दग्गुबाती भी हैं। फिल्म 1990 के दशक की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये तेलंगाना क्षेत्र में नक्सली आंदोलन पर बेस्ड एक लव स्टोरी होगी। साई पल्लवी वेनेला का किरदार निभा रही हैं, जिसे नक्सल नेता रावण यानी कि राणा दग्गुबाती से प्यार हो जाता है। फिल्म में साई और राणा की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 17 जून यानी कल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।